वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम फिफ्थ पार्ट क्रिएट करेंगे कीवे वाइस का, जो कि एक जॉ प्लेट है और इसमें मल्टीपल कट लगे हुए हैं और ये दो टैप होल है जहाँ पे बोल्ट हम फिट करेंगे हमारी असेंबली में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉप लाइन सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे हम। इसकी विड्थ रहेगी 130 और हाइट 55। ओके, फीचर में जाना है। फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड बॉस पेज अप्लाई करना है और इसकी हाइट 12 mm, ब्लाइंड कंडीशन ओके। फेस को सिलेक्ट करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। इस तरह से ट्रायंगल की विड्थ रहेगी 7 mm यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करना है और इस लाइन से इस पॉइंट की हाइट रहेगी 5 mm। और यहाँ से इस सेंटर पॉइंट की लेंथ रहेगी 10 mm। फिलेट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 1 mm और इस एज को, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। लिनियर स्केच पैटर्न हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पैटर्न 3 नंबर और इसकी विड्थ रहेगी 16 mm और ओके करना है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है थ्रू ऑल ओके। बॉटम फेस को सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है आपको। फीचर में जाने के बाद सिलेक्ट करने के बाद होल विजार्ड में जाना है और होल विजार्ड में जाने के बाद आपको टैप होल यहां पे सिलेक्ट करना है। स्ट्रेट टैप सिलेक्ट करने के बाद आपको एनसीमेट्रिक टैप होल यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे 8x1.5 इसके थ्रेड सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे ब्लाइंड कंडीशन 18 mm। इसकी पोजीशन यहाँ पे हम सेट करते हैं, एक होल यहाँ पे और दूसरा होल यहाँ पे। सिंपली इसे एस्केप की से या डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और फिर जाना है हमें स्केच, इसके डायमेंशन सेट करते हैं। सेंटर डिस्टेंस इसका रहेगा 60 mm। और इस फेस से इसकी हाइट रहेगी 29.2।
यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन हम क्रिएट करेंगे, इस होल को सिलेक्ट करना है दोनों को होल कंट्रोल की मदद से, और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन सिमेट्रिक। तो देखिए हमारा फुली डिफाइंड स्केच हो गया है, ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से, अभी ये थ्रेड शो नहीं हो रहे, तो सेटिंग में जाके हम हर बार जिस तरह से सेटिंग करते हैं टैप होल, ऐसे करेंगे। डिटेल में जाना है, डिटेलिंग और सेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड और ओके। अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं इसका। अपीयरेंस में जाना है, मेटल, स्टील, और यहाँ पे सेटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फिफ्थ पार्ट क्रिएट हो चुका है। ये एक जॉपलेट है, इसको सेव कर देते हैं हम। ये पार्ट हमारा 5 नंबर हो गया है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।